हेलो एवरीवन टुडे आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ फर्स्ट चैप्टर थ्री क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द किंग एडवाइस टू गो टू द मैजिशियंस राजा को मैजिशियंस के पास जाने की सलाह क्यों दी गई द किंग वाज एडवाइस टू गो टू द मैजिशियन बिकॉज ओनली दे कुड लुक इन टू द फ्यूचर राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह इसलिए दी गई क्योंकि जो जादूगर लोग हैं वही फ्यूचर में झांक कर देख सकते थे हेलो स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड क्वेश्चन ये टाइप नहीं है बाई मिस्टेक ये आंसर है आप क्वेश्चन या तो अपने टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं या फिर मैं आपको बोल के सुना रही हूँ इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग आई रिपीट इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन कोमा हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग नाउ राइट द आंसर इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सैड दैट एडवाइस ऑफ हिज काउंसिलर वुड बी मोर इम्पोर्टेंट सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि जो उसके काउंसल काउंसिलर्स की जो एडवाइस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है वाइल अदर सेड दैट द प्रिस्ट और हिज सोल्जर्स माइट बी द मोस्ट नेसेसरी फॉर हिम जबकि कुछ दूसरे लोग थे उन्होंने सजेस्ट किया कि जो प्रिस्ट और जो सोल्जर्स हैं वो राजा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते थे वट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन राजा का जो थर्ड क्वेश्चन था उसके आंसर में क्या सजेशंस दी गई आंसर इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सजेस्टेड साइंस अदर चूज फाइटिंग और रिलीजियस वर्शिप जो थर्ड क्वेश्चन था राजा का उसके आंसर में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि साइंस कुछ ने सजेस्ट किया फाइटिंग और कुछ ने कहा जो धार्मिक पूजा पाठ है वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन फोर डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड इफ नोट वाई नोट क्या किसी भी जो विद्वान आदमी आए थे उन्होंने राजा के नाम को जीता यदि नहीं तो क्यों नहीं नो द वाइज मैंनेडेड नोट विन द रिवॉर्ड बिकॉज देर आंसर डिडेंट सेटिस्फाई द किंग नहीं किसी भी विद्वान जो भी विद्वान आए थे उन्होंने राजा के रिवॉर्ड को नहीं जीता क्योंकि उनके जो आंसर थे वो राजा को सेटिस्फाई नहीं कर सके एक बार फिर से आपको पीछे से दिखा देती हूँ ये रहा नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द मैन जो किंग और जो हर्मिट था उन्होंने उस जख्मी आदमी की कैसे हेल्प की आंसर द किंग एंड हर्मिट रिमूव द क्लोज ऑफ दैट पर्सन वोस्ट एंड ड्रेस रिज अनटिल द ब्लीडिंग स्टोब जो राजा और हर्मिट थे उन्होंने जो पर्सन था उसके जो कपड़े थे वो उतारे वोश्ड एंड्रेस रिजूम्ड और उसका जो घाव था उसको वॉश किया और उसकी ड्रेसिंग की पट्टी की वो जब तक ये कि ब्लड उसका जो स्टॉप नहीं हो गया देन दे प्रोवाइडेड हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक और फिर उन्होंने उसको कुछ पान पीने के लिए कुछ फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराया क्वेश्चन नंबर सिक्स हु वॉज द बियर मैन जो बियर मैन था वो कौन था द बीरडिड मैन वोज हिज एनिमी हु वॉन्टेड टू टेक हिज रिवेंज जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का दुश्मन था जो राजा से अपना बदला लेना चाहता था सेकेंड पार्ट ऑफ सिक्स क्वेश्चन वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉर गिवनेस जो पर्सन था उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी आंसर ही वॉन्टिड टू किल द किंग बट वैन द किंग सेवड हिज लाइफ ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड एंड आस्ट फॉर किंग्स फॉर गिवनेस जो आदमी था वो राजा को मारना चाहता था लेकिन जब राजा ने उसकी लाइफ को बचाया सेव किया तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसने राजा से माफ़ी मांगी द किंग फोर गिव दैन राजा ने उसको माफ़ तो कर दिया वट डिड ही डू टू शो हिज फोर गिवनेस लेकिन उसने अपनी फॉर गिवनेस को अपनी माफी को दयालुता का दिखाने के लिए क्या किया टू शो हिज फॉर गिवनेस अपनी माफी को दिखाने के लिए द किंग प्रोवाइडेड हिम हिज डॉक्टर्स राजा ने उसको अपने डॉक्टर्स प्रोवाइड किए एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिज हेल्थ और अपने सर्वेंट्स भी भेजे ताकि वो उसकी हेल्थ की देखभाल कर सकें ही ऑल्सो प्रोमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी और राजा ने जो उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी वो भी उसने वापस देने का प्रोमिस किया क्वेश्चन नंबर एट वट द दर्मिट्स आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चन राजा के जो क्वेश्चन थे हरमिट ने उनके क्या आंसर्स दिए राइट ईच आंसर सेपरेटली हर आंसर को आप अलग अलग लिखिए विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई कौन सा आंसर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्यों हर आंसर इज हरमिट्स आंसर्स टू द्री क्वेश्चन ये जो नीचे दिए गए आंसर हैं ये तीन आंसर उन्होंने हरमिट ने दिए हैं फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हरमिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट बिकॉज इट इज द टाइम वैन वी हैव पावर ऑफ एक्शन जो आर्मिट था उन्होंने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो हमारा प्रेजेंट टाइम है क्योंकि इसी टाइम हम जो है वो हमारे पास पावर ऑफ एक्शन होती है हम कुछ कर सकते हैं और जो सेकंड क्वेश्चन आंसर था उनका द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ वन विद होम वी आर एट ए पर्टिकुलर टाइम जो राजा का सेकंड क्वेश्चन था कि मुझे किन बात किन लोगों की बातें सुननी चाहिए तो उसके आंसर में जो आर्मिट है वो रिप्लाई करता है कि जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो वही होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम में एक विशेष टाइम में आपके साथ होता है और जो थर्ड क्वेश्चन था राजा का वो ये था कि मुझे कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट मानना चाहिए तो उसकी रिप्लाई में जो जोर्मेंट है वो सजेस्ट करता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू गुड विद दैट पर्सन तो जो गवर्नमेंट कहता है कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि जो भी आदमी आपके साथ है उसके साथ आप अच्छा कीजिए अब आपको जो आपको उसके स्पोर्ट में आंसर देने के लिए बोला गया था आपको कौन सा अच्छा लगा तो अकॉर्डिंग टू मी आई लाइक द थर्ड आंसर मोस्ट बिकॉज वी आर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट परपज फॉर दैट परपज एलोन मुझे है जो राज उसका का थर्ड आंसर सबसे अच्छा लगा क्योंकि सिर्फ इसी पर्पज के लिए हमें संसार में भेजा गया है तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिए लाइक एंड शेयर द वीडियो हैव अ नाइस डे